वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबा के सीनों पे सजदे। अस्सलामु अलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, इस हदीस के ताल्लुक से आपने पूछा है, ये हदीस जामे तिर्मिज़ी में है, हदीस नंबर 2488 में है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला इसके रावी हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अला उख़बिरुकुम बिमन यहरुमु अला नार व बिमन तहरुमु अलैहि नार अला कुल्ल क़रीबिन हय्यिनिन सहलिन। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ख़बर ना दूँ उस शख्स के बारे में जिस पर आग हराम है और आग दोज़ख की उस पर हराम है। तो सिफत उसकी ये बताई कि अला कुल करीबिन हय्यिन इंसानिन, हर नरम मिजाज, हय्यिन नरम, सहलिन आसानी करने वाला, नरमी करने वाला, करीबिन एक दूसरे से करीब रहने वाले, यानी जो नरम तबीयत के होते हैं एक दूसरे को अपने करीब करने वाले, सख्त मिजाजी के साथ दूर करने वाले नहीं बल्कि नरम मिजाजी के साथ एक दूसरे को करीब करने वाले। तो यह हदीस सही है, इसकी सनद सही है, जामे तिर्मिज़ी की यह रिवायत है। इस पर इमाम तिर्मिज़ी ने बाब बांधा है, बाब फ़ज़ल कुल करीब हय्यिन इंसानिन, कि हर करीब करने वाले, आसानियां करने वाले, बावक़ार संजीदा नरम मिजाज की फजीलत। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने इस YouTube चैनल Z News को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।